हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो सारे? आई होप सारे बढ़िया हो गए। बाकी आज की वीडियो सीएसआर सीरीज के ऊपर नहीं होने वाली। आज हम बताएंगे कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। बहुत दिन से मेरे को यहाँ पे कमेंट्स देखने को मिल रहे थे कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के ऊपर, वीडियो लाओ। तो आज लेकर आ चुके कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के ऊपर, एंड आज हम बताएंगे तुम्हें कौन से कैरेक्टर कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट है इस सीजन, जिसको लगाने के बाद तुम अश्वत्थामा बन जाते हो। बाकी तुम मेरी रैंक देख सकते हो, यहाँ पर मैंने ग्रैंड मास्टर पुश कर लिया, मतलब अभी तक तो मैंने काफी अच्छा स्टार प्लस किया है। अगले दो दिन तक मैं यहाँ पर ग्रैंड मास्टर पुश नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मेरा होनर स्कोर काफी माइनस हो चुका है। बाकी इस बात को छोड़ते हैं। अगर जिसको नहीं पता मैं बता दूं, यहाँ पे मैं हूँ एक सीएस रैंक प्लेयर जो हर सीजन ग्रैंड मास्टर करता है, एंड यहाँ पर एक टाइम मैं रीजन भी जा चुका हूँ, मतलब आज से दो सीजन पहले मैंने रीजन लगा दिया था। बाकी यहाँ पर इतना सब मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें मतलब बिलीव हो कि जो तुम्हें खेलना सिखा रहा है उसको खुद को कितना खेलना आता है। बाकी तुम्हारे अदर यूट्यूबर्स की तरह नहीं, जिन्होंने अभी तक रीजन भी नहीं लगाया ना ही ग्रैंड मास्टर लगा, तुम्हें टिप्स एंड ट्रिक्स दे। देखो जो कॉम्बिनेशन मैंने यूज करा उसको यूज करके हम क्लासिक तक को हरा चुके हैं। यहाँ पर तुमने वीडियो नहीं देखी तो तुम वीडियो देख सकते हो, यहाँ पर कल परसों ये वीडियो आ चुकी थी। बाकी यहाँ पर हमने काफी यूट्यूबर्स को भी डिफीट करा है, सो यहाँ पर ये सारे कॉम्बिनेशन भी यूज होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत मजा आने वाला है। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो बात करते हैं अपने नंबर वन कॉम्बिनेशन की। तो यहाँ पर मैंने CR7 से बनाया, तुम पहले CR7 लगाना, उसके बाद तुम लगा सकते हो वुल्फरा लगा सकते हो, और वुल्फरा नहीं लगाना चाहते तुम लगा सकते हो यहाँ पर लूना कैरेक्टर, जो कि तुम्हारी फायर रेट बढ़ा देती है एंड उससे तुम्हारे हेडशॉट बहुत जल्दी लगेंगे। तो यहाँ पर ये प्रॉपर कॉम्बिनेशन बन चुका हमारा। एक नेडर होना चाहिए और यहाँ पर ओथो तो लेके रखना बिकॉज ओथो से मूवमेंट स्लो होती है और क्लचेस करने में ओथो काफी हेल्प करता है, तो यहाँ पर ओथो को हर कॉम्बिनेशन में सेम रखना। बाकी यहाँ पर ये प्रॉपर कॉम्बिनेशन, लोड आउट में तुम कुछ भी लगा सकते हो। अगर तुम नेडर हो तो बीस्टोन लगाना, नहीं हो तो तुम यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हो। अब यहाँ पे इस कॉम्बो का यूज ये है कि यहाँ पर तुम कहीं से भी रोटेट करके यहाँ पर सबसे पहले तो ये लूना काफी ज्यादा फायर रेट देती है, जिससे वजह से मेरी फार्मर्स काफी अच्छी चली यहाँ पे लॉन्ग रेंज पे, या फिर तुम शॉर्ट रेंज पे दोनों साइड पे फार्मर्स चला सकते हो। क्लचेस टाइम पे यहाँ पर CR7 काफी हेल्प करता है। यहाँ पे तुम देख सकते हो मैंने इसको डाउन लिया, यहाँ पे एक और बंदा आ गया, मैंने शील्ड ऑन कर दी और इसको हेडशॉट दे दिया जल्दी से। यहाँ पर मेरे पास CR7 नहीं होता तो मैं यहाँ पर बचता नहीं, लेकिन फिर भी मैं बच गया। यहाँ पे एक्टिव स्किल होना जरूरी है, मैंने यहाँ पर इसको खत्म कर दिया। अब एक लास्ट बंदा बचा हुआ है, मेरा क्लच भी हो सकता है वहाँ पे, लास्ट बंदा शायद से ऊपर की साइड, यहाँ पे लास्ट बंदा था। मेरी लेवल 1 की फार्मर्स भी काफी इजी चली यहाँ पे, और रश मारते टाइम CR7 सबसे बेस्ट कैरेक्टर है। यहाँ पे तुम देख सकते हो मतलब काफी यूज करते थे, अभी फिर से यूज में आ चुका है। यहाँ पे इसका कूलडाउन कम है, दैट्स वाई यहाँ पे ज्यादा यूजफुल है। एंड यहाँ पर मैंने तीन बंदे नॉक ले लिए, एंड यहाँ पर जब तुम तीन बंदे नॉक ले लेते हो तब कोई भी टीममेट तुम्हें मतलब सपोर्ट कर ही देगा। यहाँ पे तुम तीन हो, वहाँ पे एक अकेला है, तो वहाँ पे वो बंदा तो क्लियर होने ही वाला है, तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में काफी काम आता है। बाकी यहाँ पे तुम देख सकते हो इसने मेरे ऊपर राइडन लगाया, लेकिन राइडन से बढ़िया यहाँ पर CR7 निकला। यहाँ पर इसका राइडन काम ही नहीं आया और यहाँ पर मेरा CR7 काम आया, मैंने बहुत जल्दी इसको खत्म कर दिया। क्या बात है, एक बार फिर से देखो यहाँ पर क्या होता है। मैं इधर गया और इसने मेरी स्किल ब्लॉक कर दी, मतलब मेरे को ब्लॉक कर दिया। मैंने CR7 ऑन किया, ये जैसे यहाँ पे आया इसने दो शॉट मारा, इसका मिस हुआ और यहाँ पर मैंने इसको खत्म कर दिया। तो यहाँ पर CR7 काफी यूजफुल है, राइडन से तो बढ़िया ही है। ठीक है, अभी यहाँ पे सिर्फ कुछ डिसएडवांटेज भी है, तुम देख सकते हो मतलब वन टाइम यूज कैरेक्टर है तो यहाँ पर सिर्फ एक ही टाइम काम आता है। बाकी यहाँ पर एक बंदा आया, ये ओथो की वजह से स्लो हो गई। यहाँ पर मैंने CR7 यूज किया एंड मैं पीछे गया, लेकिन फिर भी मेरे को डैमेज पड़ा। एंड यहाँ पर डैमेज पड़ने के बाद ये लोग रश मारते हैं, मैंने इसको नॉक ले लिया, एक लास्ट बंदा है। अब यहाँ पर इसने मेरे को कटाना से खत्म कर दिया। अगर मेरे पास यहाँ पे तात्सुया होता तो शायद से मैं क्लच कर सकता था। सो यहाँ पर वन टाइम यूज कैरेक्टर है तो थोड़ा सा दिक्कत है। इस क्लिप में देखो क्या होता है, मैं यहाँ आगे गया और यहाँ पर मैंने नेड किया। सबसे पहले यहाँ पे इस कॉम्बो में मैंने नेड लगा रखा था, तो यहाँ पर नेड से भी नॉक आता है सबसे पहले। एंड यहाँ पर दूसरे को भी मैंने नॉक ले लिया बॉडी बॉडी मार के, एंड यहाँ पर मैंने तीसरे को हेडशॉट मार के नॉक ले लिया। यहाँ पर तीनों को मैंने खत्म कर दिया एंड तीनों को मैंने बहुत इजी खत्म किया। अब मेरे को लगा कि मैं यहाँ पर राउंड काफी इजी निकाल लूंगा, लेकिन फिर मेरे साथ कुछ ऐसा होता है। मैंने उसको हेडशॉट दिया, उसने सोनिया ऑन कर लिया, एंड यहाँ पर सोनिया उसकी ऑन होती है, दिमित्री लगा लेती है। मेरा रैंडम प्लेयर देखो क्या करता है, वो सीधा गया अंदर, एंड यहाँ पे वो अंदर जाने के बाद सिर्फ एक गोली की बंदी होगी यहाँ पे, एंड उसने भी उसको खत्म कर दिया। क्या बात है यहाँ पे, अरे शर्म करो, अरे ऊपर वाले को जवाब देना है, शर्म करो दल्लो, शर्म करो। सही बात है। बाकी यहाँ पर हम बात कर रहे थे CR7 की। अगर तुम रोटेशन वाले प्लेयर हो जो कि कवर देते हो हमेशा की तरह AWM लेके, तो यहाँ पर तुम काफी इजी आ सकते हो। जैसे कि तुम देख सकते हो मैं यहाँ आ गया, एंड यहाँ आने के बाद मेरे को पता था रश होगा, सो यहाँ पर मेरे को एक सेकंड का टाइम चाहिए था। मैंने यहाँ पे इसको कोरोनो ऑन कर दिया, लेकिन मैं भी नहीं मरा और ये भी नहीं मरा। यहाँ पे जब मैं नीचे आ रहा था मैंने इसको हेडशॉट देके खत्म कर दिया। तो तुम भी अगर AWM प्लेयर हो तो तुम मेरे से अच्छे AWM चलाते होगा आई नो, सो यहाँ पर मतलब इसको यूज करो, काफी यूजफुल है तो इसको यूज करना। बाकी यहाँ पर एक लास्ट बंदा बचा हुआ है, 150 दे दिया मैंने इसको, एंड यहाँ पर एक बार फिर से 150 और ये खत्म। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। अब बात करते हैं अपने नंबर 2 कॉम्बो की, जो कि होने वाला है तात्सुया के साथ। यहाँ पर तात्सुया आज भी पावरफुल है, इसकी एबिलिटी थोड़ी सी कम जरूर से हुई है, लेकिन यहाँ पर अभी भी काफी पावरफुल है। एंड यहाँ पर तुम नेड नहीं करना चाहते, तो आज मैं तुम्हें ऐसा कॉम्बो बताऊंगा जिसे तुम हेड ही हेड मार सकते हो। तुम देख सकते हो यहाँ पर मैंने वुल्फरा लगा लिया एंड लूना लगा लिया, इन दोनों को साथ में लगा के खेलोगे तो काफी डेंजरस प्लेयर बन जाते हो। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ तुम वीडियो में देख सकते हो।
यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने क्लिप नंबर 1 पे और तुम बस हेडशॉट नोटिस करना कितने का हेड लगता है। यहाँ पे सामने की तरफ है बंदा और मैंने इसको हेड दिया 128 का हेड लगा मेरे ऊपर। वॉचिंग चल रही है तीनों बंदे की एंड यहाँ पर अभी लास्ट दो बंदे बचे हुए हैं, देखते हैं क्या होता है। मतलब अभी तुम सिर्फ हेडशॉट देखना, यहाँ पर 128 का हेड लगता है, फिर से 128, मतलब यहाँ पर तुम देख सकते हो अगर तीन की वॉचिंग चलती है तो यहाँ पर 128 का हेड लगता है, उससे नीचे हेड लगेगा। यहाँ पे अगर तुम पहले राउंड में ऐसा हेड मार सकते हो तो यहाँ पर तुम्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज पहला राउंड काफी इंपॉर्टेंट होता है एंड यहाँ पर मतलब तुम्हारे पास वुल्फरा है एंड लूना है तो तुम काफी इजी हेडशॉट मारोगे। सिर्फ पहले राउंड में नहीं, हर राउंड में तुम काफी इजी हेडशॉट मारोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर हेडशॉट मारा एंड काफी ज्यादा डैमेज दे दोगे सामने वाले एनिमी, और सामने वाले का हेडशॉट भी तुम पे कम लगेगा बिकॉज तुम्हारे पास वुल्फरा है एंड यहाँ पर वुल्फरा की वजह से सामने वाले को हेडशॉट भी ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पर मतलब बहुत फायदे हैं इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के। बाकी यहाँ पर अब मैं तुम्हें क्लच दिखा दूं। नहीं तो यहाँ पे मैंने पहले बंदे को हेडशॉट दे दिया एंड तुम देख सकते हो 325 का हेड लगा यहाँ पे एंड यहाँ पर मैंने सबसे पहले इसको खत्म किया। मेरे पास थी डबल यूएसपी, मेरे सामने एक बंदी आई एंड यहाँ पर मैंने इसको नॉक कर दिया। यहाँ पर इसको नॉक किया, क्या हेड लगा मेरा, तुम हेडशॉट देखो बस। यहाँ पर इसको भी हेड काफी गंदा लगा एंड यहाँ पर लॉन्ग पे मारा तो यहाँ पर थोड़ा सा कम लगा, लेकिन यहाँ पर लगता है मेरे को तीन की वॉचिंग चल रही है। लास्ट बंदा बचा हुआ है जिसको मैंने हेडशॉट दिया 135 का, तो यहाँ पर हेडशॉट देखो बस, यहाँ पर 135 का भी हेड लग सकता है पहले राउंड में। एंड यहाँ पे जाने के बाद क्या होता है कि नीचे दो बंदे होते हैं और ड्रैकी से दिख गया मेरे को, यहाँ पे ड्रैकी से पता लग गया था यहाँ पे एक लास्ट बंदा, इसको हेड पड़ेगा, इसको भी हेडशॉट पड़ा एंड काफी इजी पीजी क्लच हो जाता है। ऐसे क्लचेस तुम बार बार कर पाओगे, लो रैंक पे ही नहीं हाई रैंक पे भी कर पाओगे। मेरे साथ के बंदे सारे कॉम्बो यूज करते हैं इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। मतलब अगर सीएस रैंक पुश कर रहे हो तो इसको यूज करो, मेरी गारंटी है तुम काफी किल करोगे। बाकी इसको हेडशॉट देके मतलब हेड नहीं सिर्फ बॉडी से खत्म कर दिया, और लूना पे बॉडी भी काफी डेंजर लगती है। यहाँ पे लास्ट दो बंदे हैं, मैं यहाँ पर हील कर रहा था और इसको मैंने हेडशॉट दे दिया। अब एक लास्ट बंदा बचा हुआ है मेरे सामने आया और 193 का हेडशॉट भाई, लिटरली 193 काफी ज्यादा होता है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो वुल्फरा की पावर क्या है। अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक रियलिटी चेक देता हूँ, तुम हमेशा से क्लच नहीं कर पाओगे। मतलब यहाँ पे तुम देख सकते हो मैंने सबसे पहले एक को नॉक लिया और यहाँ पर मैंने सबसे पहले अपने आप को पैक कर लिया, लेकिन यहाँ पर मेरे सामने ही आया, इसको मैंने नॉक किया सबसे पहले एंड यहाँ पे मेरे को लगा सिर्फ एक बंदा है, लेकिन वो बंदा रिवाइव होके मेरे को दोबारा से खत्म कर देता है। कैसे हो सकता है ये, तो ऐसे मूवमेंट्स भी आते हैं, सो उसके लिए भी रेडी रहना। बाकी यहाँ पर तुम AWM चलाते हो तब भी बेस्ट है तुम्हारे लिए, तात्सुया तो मतलब AWM वालों के लिए काफी बेस्ट है, बिकॉज काफी AWM प्लेयर्स को देखा मैंने ये चलाते हुए एंड AWM चलाओगे तो यहाँ पर तात्सुया लेके खेलना जरूर, CR7 से भी ज्यादा बढ़िया। यहाँ पे अगर मैं बता दूं तो सारे PC प्लेयर इसी को यूज करते हैं, सो यहाँ पर तुम यूज कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ तुम कैसे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 150 दे दिया सबसे पहले एंड दूसरे को भी 150 पड़ा यहाँ पे, सो अब मेरे को रश मारना है तो मैं सीधे तात्सुया लगा के रश मारता हूँ। एंड यहाँ पर स्मोक होना भी काफी इंपॉर्टेंट है अगर AWM प्लेयर होना, और यहाँ पे क्लच करना चाहते हो तो स्मोक फेंक दो सबसे पहले। तो यहाँ पर स्मोक काफी ज्यादा हेल्प करता है बिकॉज AWM प्लेयर यहाँ पर स्मोक में जाके काफी गंदा मारते हैं। तुम देख सकते हो कैसे, मैं तुम्हें बताता हूँ, यहाँ पे सामने एक बंदा है और मैंने यहाँ पे काफी जल्दी इसको हेडशॉट दे दिया एंड यहाँ पर हेडशॉट देने के बाद एक लास्ट दो बंदे बचे हुए हैं, देखते हैं किधर है। एंड यहाँ पर मैंने इसको हेड दिया लेकिन वो रिवाइव भी हो गया, बट कोई बात नहीं, यहाँ पर अभी देखते हैं कहाँ पे बंदे, मेरे को एकदम क्लियर दिख रहा है उनको नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे इसको भी 150 देके मैंने नॉक कर दिया, यहाँ पर वो क्लियर हो जाएगा ऑटोमेटिक। बाकी यहाँ पर अब देखते हैं, इधर बंदे थे मैंने नॉक किया था, यहाँ पे 150 ये नॉक हो चुका है एंड यहाँ पर एक को मेरे टीममेट ने खत्म कर दिया। यहाँ पे एक लास्ट बंदा बचा हुआ है, किधर की साइड है, मेरे पास ओम थी तो मैं काफी जल्दी जा रहा था, बाकी यहाँ पर किसी ने खत्म कर दिया और यहाँ पर ये कॉम्बो भी हमारा खत्म होता है। बाकी तुम बताओ कैसा लगा कैसा नहीं। गुड क्वेश्चन, अब स्नाइपर की इतनी बात हो रही है तो बात कर लेते अपने स्नाइपर कॉम्बो की। तो तुम वुकोंग लगा लो, मतलब वुकोंग प्लेयर्स मतलब काफी अच्छा स्नाइपर चलाते हो तुम, यहाँ पे देख सकते हो मैंने स्किल लगा रखी है, सारी स्किल कॉपी कर दो अगर तुम करना चाहते हो तो। अगर तुम एक बैकअप प्लेयर हो, स्नाइपर प्लेयर हो, तो तुम इसको कॉपी कर सकते हो। बाकी रश करके भी खेलते हो तो कॉपी कर सकते हो, इसमें कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। अगर तुम नेडर हो तो यहाँ पर लूना हटा के तुम यहाँ पर एल्वोरो ले सकते हो। बाकी यहाँ पर ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन काफी बेस्ट है, तो चलो आप दिखाता हूँ इससे होता क्या है। चलो भाई, इस कॉम्बो को यूज करने के बाद तुम एक बैकअप प्लेयर बन सकते हो। बाकी यहाँ पर मैंने 150 दे दिया एंड काफी साइलेंटली तुम यहाँ पर काम कर सकते हो, मतलब सबको खत्म कर सकते हो पीछे से। जैसे कि मैं यहाँ गया, 150 इसको भी दे दिया, मेरे पास मतलब ये था इसको क्या बोलते हैं स्पीड बूस्ट एंड यहाँ पर इसको जाने के बाद 150 ये भी नॉक, इसको भी 150, मेरे पास एक फ्लैश फ्रीज है और मैंने फेंक दिया तो ये खत्म हो जाएंगे। बाकी उनको पता नहीं टीममेट्स ने खत्म कर दिया। एक लास्ट बंदा बचा हुआ है जो कि पीछे की साइड होगा, इसने मेरे को छेड़ा लेकिन यहाँ पर मेरे जाते ही मेरे टीममेट्स ने इसको खत्म कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें किल मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो नहीं पता, लेकिन यहाँ पर तुम बैकअप काफी अच्छा दोगे अगर तुम्हारे पास डबल AWM है, और डबल ऑम तो भाई खत्म कर देते हैं सामने वाले को। सामने चाहे कितने भी प्रो प्लेयर हो, अगर तुम्हारी टीम में एक AWM प्लेयर है तो सामने वाले हमेशा से हारेंगे, बिकॉज AWM काफी ज्यादा घातक गन है। यहाँ पे मेरे सामने आया, मैंने 150 देके इसको नॉक कर दिया, हालांकि सारे किल मेरे हुए लेकिन यहाँ पर ये मतलब टीममेट्स यहाँ पर किल चोरी कर लेते हैं। कोई बात नहीं, यहाँ पर तुम बस बैकअप दो, यहाँ पे मैंने 150 दिया, इसका भी किल चोरी हो गया, बट कोई बात नहीं, यहाँ पर माइंड नहीं करेंगे, तुम्हें सिर्फ बैकअप देना है यहाँ पर। एंड वुकोंग लगा के खेलोगे तो मतलब काफी इजी हेडशॉट भी मार सकते हो, अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा। बाकी लास्ट रंदा बचा था, इसको मैंने 150 देके काफी इजी खत्म कर दिया। समझ रहे हो, समझ रहे हो,
समझ रहे हो ना। इस कॉम्बो को लेने के बाद तुम काफी इजी कहीं पे भी चढ़ के यहाँ पर काफी इजी कवर दे सकते हो, उनको पता भी नहीं लगेगा। और यहाँ पर तुम देख सकते हो मैंने इसको 150 दे दिया, इसको पता भी नहीं लगा और वो नॉक आ गया, वो जोन से ही नॉक आ गया। एंड यहाँ पर ये लास्ट बंदा है, यहाँ पर मैंने उसको भी 150 दिया, वो भी सोनिया बन गया। बैकअप के लिए सबसे बढ़िया वेपन AWM है। यहाँ पर तुम देख सकते हो यहाँ पर सामने की तरफ कितने बंदे थे और यहाँ पर मैं कितनी ज्यादा बैकअप देता हूँ अपने टीम को। अगर मैं बैकअप नहीं दे रहा था तो वो लोग मर सकते थे, लेकिन यहाँ पर तुम देख सकते हो वॉल तोड़नी है सबसे पहले। हालांकि मेरे को यहाँ पर AWM चलानी आती नहीं है उतनी, फिर भी यहाँ पर मैं कवर दे सकता हूँ। तो तुम्हें काफी अच्छी AWM चलानी आती है, आई नो कि तुम लोग यहाँ पर काफी अच्छा चलाते हो, तो तुम यहाँ पर काफी इजी क्लचेस कर सकते हो। जैसे कि मेरे सामने बंदा आया था, मैंने उसको नॉक कर दिया। बाकी एक बंदा आ चुका है ऊपर की साइड, यहाँ पर मेरे सामने आया, मैंने 150 दिया एंड यहाँ पे वुकॉन की वजह से मैं बच गया, वरना मैं बचता नहीं। सही बात है। यहाँ पे बात करते हैं राउंड वन की, राउंड वन कैसे जीतना है। मतलब हमेशा तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा कि तुम सारे मैचेस विन करोगे, तो तुम्हारे स्किल भी यहाँ पे ब्लॉक हो सकती है। अगर सारा गेम प्ले तुम्हारा कैरेक्टर स्किल पे डिपेंड करता है तो यहाँ पे तुम मतलब बहुत इजी मैचेस हारोगे, बिकॉज हाई रैंक पे तुम्हारी ऑलवेज से स्किल ब्लॉक कर देंगे एंड यहाँ पे तुम्हें चांस नहीं मिलेगा। इसलिए जो नेक्स्ट कॉम्बो है वो काफी डेंजर कॉम्बो है जिसको मैं यूज करता हूँ, बाकी मैं तुम्हें वीडियो में आगे बताऊंगा। अभी इसको क्लच करके दिखाते हैं। एंड यहाँ पे सामने की तरफ एक बंदा आया, इसको मैंने नॉक ले लिया। एंड यहाँ पर एक लास्ट दो बंदे बचे हुए हैं। ओथो का यूज भी काफी होता है यहाँ पे, बिकॉज पहला राउंड ओथो काफी यूजफुल है। यहाँ पे मैंने इसको सबसे पहले हेडशॉट दिया एंड ओथो की वजह से काफी स्लो हो जाते हैं। यहाँ पे मेरा किल चोरी हो गया, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे एक लास्ट बंदा है जो कि सामने की साइड है, यहाँ पे मैं इसको क्लियर ले लेता हूँ सबसे पहले। एंड यहाँ पे सामने की तरफ ही है, देखते क्या होता है। मेरे सामने आया ये बंदा एंड यहाँ पे हेडशॉट के साथ इसको मैंने खत्म कर दिया। अगर तुम्हारी स्किल ब्लॉक हो जाती है तो वहां पर तुम्हारा लूना काम नहीं आएगा, लेकिन वहां पर तुम्हारी स्किल काम आएगी जो भी तुम यहाँ पर अभी तक सीखे हो। मतलब कितना भी CS खेला होगा तुमने या फिर ट्रेनिंग खेला होगा, तुम्हारे हेडशॉट तो लगेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लूना लगाने से हेड लगते हैं, ऐसे तुम्हारी स्किल भी डिपेंड करती है तुम कितना प्रैक्टिस करते हो। बाकी यहाँ पर वुल्फ्रे लगा के भी खेल सकते हो, काफी ज्यादा हेड लगेगा। यहाँ सामने आया मेरे बंदा, सीधा मुंह पे आ गया था, मैंने इसको हेडशॉट दे दिया एंड यहाँ पर इसके पास साइक था तो मैं पीछे चला गया। अब यहाँ पे इस राउंड में भी मैंने काफी इजी इसको नॉक कर दिया। अब यहाँ पर एक बार फिर से मेरा क्लच हो सकता है। तुम यहाँ पर सामने ही देख सकते हो एक ही बंदा लास्ट जिसको मैं चेक करने के लिए वुकोंग से गया एंड वुकोंग से जाने के बाद अब देखो यहाँ पर मैं इसको चेक करता हूँ सबसे पहले किधर है, मेरे सामने होता है एंड अब देखो क्या होता है। यहाँ पे जो तुम सारे मेरे गेम प्ले देख रहे हो ये मेरी प्रैक्टिस है और यहाँ पर बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर मतलब तुम चाहे कितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स देख लो या फिर स्किल कॉम्बो देख लो, तुम जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे यहाँ पर घंटा भी तुम नहीं जीत सकते। यहाँ पर मेरे सामने एक बंदा आ गया, उसको मैंने हेडशॉट दिया एंड यहाँ पर तुम काफी इजी हेडशॉट देने लगोगे अगर तुम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हो यहाँ पर लूना कैरेक्टर से। मतलब लूना तो काफी गंदा हेड मारती है, बाकी यहाँ पर वुल्फ्रा हो तो बात ही अलग है। यू आर राइट ब्रो। अभी एक लास्ट बंदा बचा था यहाँ पे मेरे सामने एंड यहाँ पर मैंने 150 दे दिया इसको, मैं वुकोंग बन गया जल्दी से एक बार फिर से 150। लेकिन इसके बाद शायद से कुछ था, इसने अपना यूज किया एंड यहाँ पर मैं ड्रॉप पे चला गया एंड यहाँ पर एक बार फिर से मैं पीछे आ गया एंड यहाँ पर सामने की तरफ एक बंदा है जिसको कि मैंने 150 दे के खत्म कर दिया। अब बात करते हैं मेरे कॉम्बो की, मैं कौन से कॉम्बो से खेलता हूँ। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो सबसे पहले मैंने ब्लॉकर लगा लिया एंड सारी स्किल एकदम सेम होने वाली है। ब्लॉकर के साथ तुम नेट लगाओ, एलाइट ओल्वोरा लगाओ अगर तुम्हें नेट करना है तो, ड्रैकी हटा दो, यहाँ पे तुम बीस्टोन लगाओ। ये सारे कॉम्बो मैं डेली यूज करता हूँ, मतलब मेरा ये मतलब परमानेंट कॉम्बो है और हमेशा से मैं इस सीजन भी यूज कर रहा था एंड लास्ट 3 सीजन से मैं यही यूज कर रहा हूँ, बिकॉज स्किल ब्लॉकर काफी ज्यादा पावरफुल है। मतलब अगर तुम स्किल ब्लॉक कर देते हो तो सामने वाला कुछ कर ही नहीं पाएगा। अगर यहाँ पर किसी को डाउट है तो तुम यहाँ पर मेरे CSR सीरीज के गेम प्ले देख सकते हो। बाकी यहाँ पर तुम एकदम सेम कॉम्बो कॉपी करते हो अगर तुम करना चाहते हो तो, बाकी लोड आउट कुछ भी रख सकते हो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अभी यहाँ पे ये गया पहला नॉक एंड यहाँ पर पहला नॉक आते ही यहाँ पर मेरा लूना काफी ज्यादा यूज में आया एंड अब देखो दूसरा बंदा भी उधर ही है, इसको मैंने काफी इजी नॉक ले लिया एंड यहाँ पर मैं सीधा नहीं जाने वाला, मैं सीधा नेड करूंगा उसके बाद देखते हैं जाना कि नहीं। नेड करने के बाद यहाँ पे पता लग जाता है कि कितने बंदे हैं कितने नहीं, वहाँ पे वो क्लियर हो चुका है। सबसे पहला बंदा तो यहाँ पर क्लियर हो गया, अब देखो मैंने इसको भी क्लियर ले लिया। अभी भी यहाँ पर मेरा स्किल ब्लॉकर चार्ज में है तो अभी देखते हैं क्या होता है। मतलब मेरे साथ ही स्किल ब्लॉकर, अब मैं सीधा गया, ये बंदा यहीं पे खड़ा था पता नहीं क्या कर रहा था, मैंने इसको जल्दी से नॉक ले लिया। अब एक लास्ट बंदा है जिसको मेरे टीममेट्स ने खत्म कर दिया, मतलब मेरे टीममेट को खत्म कर दिया। उसके पास था रेफल, उसे लगा मैंने उसको देखा नहीं, लेकिन मैंने उसको देख लिया। अब यहाँ पर मैंने स्किल ब्लॉक मार दिया, अब वहाँ पे वो बंदा एडम बन चुका है। अब यहाँ पर आप देखो उसको कैसे खत्म करना है। उसके पास रेफल कैरेक्टर था जिसको मैंने वेस्ट कर दिया, मेरे को लोकेशन पता लग गई और काफी इजी पीजी मैंने उसको खत्म कर दिया। तो तुम भी कुछ इस तरीके से स्किल ब्लॉक करके सामने वाले को एडम बना के 1v1 तो तुम काफी इजी निकाल सकते हो। अभी यहाँ पर मैंने स्किल ब्लॉक कर दी एक बंदे की, मैंने नेट फेंका और स्किल ब्लॉक कर गया एक ही बंदे पे गया, लेकिन यहाँ पर ये बंदा आया, मैंने इसको जल्दी से सोनिया बना दिया। यहाँ पर एक बंदा मेरे पीछे है, इसको मैंने जल्दी से नॉक ले लिया। यहाँ पर इसको नॉक लेने के बाद अब लास्ट दो बंदे बचे हुए हैं, मतलब हाँ लास्ट दो है। यहाँ पर मैंने जिसकी स्किल ब्लॉक करी थी वो मेरे को दिख गया, वो इधर की साइड है।
एंड यहाँ पर मैंने इसको काफी इजी नॉक ले लिया और इसी के साथ मेरे इस राउंड में भी ट्रिपल किल हो जाते हैं जो कि काफी इजी पीजी किल करे मैंने यहाँ पर। मतलब स्किल ब्लॉकर होगा तो अलग ही कॉन्फिडेंस होता है तुम्हारे पास, तुम्हें पता है तुम किसी को भी यहाँ पर एडम बना दोगे और वही वन की फाइट तुमसे कोई नहीं जीत सकता। बाकी यहाँ पर मैंने इसके स्किल ब्लॉक करके इसको खत्म कर दिया और लूना की वजह से ना मतलब डेजर्ट ईगल भी काफी इजी चलती है, सिर्फ बॉडी मारोगे उसके बाद भी यहाँ पर तुम काफी इजी क्लियर ले सकते हो और सेकंड राउंड में काफी ज्यादा हेल्प करती है। तो यहाँ पर लूना लगा के रखना, मतलब लूना तो हर कोई सजेस्ट करता है और मैं भी यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि लूना लगाओ बिकॉज लूना काफी यूज में है। जैसे कि तुम यहाँ देख सकते हो मैंने उसको जल्दी से नॉक कर दिया। यहाँ पे दूसरा बंदा भाग रहा था, यहाँ पर ये भागने का ट्राई तो कर रहा है लेकिन ये भाग पाएगा नहीं। यहाँ पे सामने की तरफ है मेरे पास एक फ्लैश फ्रीज भी है और यहाँ पर मतलब तुम्हारे पास बीस्टन पैट है तो तुम काफी इजी पीजी सबको खत्म कर सकते हो। मेरे सामने आया और उसको ऐसे ही मैंने नॉक कर दिया। क्या बात है, अभी देखो यहाँ पर इस क्लिप में क्या होता है। मैंने उसको नॉक कर दिया लेकिन मैं उसको क्लियर नहीं करूंगा, अगर वहाँ पे वो गलती से रिवाइव भी हो जाता है तो मैं काफी इजी उसको नॉक ले लूंगा। बाकी एक बंदा मेरे ऊपर रश कर रहा है, तुम देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसको काफी डैमेज दिया, इसने अपनी सोनिया दिमित्री ऑन करी लेकिन क्या फायदा। देखो यहाँ पर सीएस रैंक में ज्यादा यूज नहीं है, मतलब कभी कभी यूज हो जाएगा लेकिन तुम हमेशा ऐसे पिट जाओगे। बाकी यहाँ पर जिसको मैंने ब्लॉक करा वो इधर आ गया और अब मेरे पास एलाइट एल्वोरो है तो इसको नॉक तो होना ही है। मैंने इसको नेट करके नॉक कर दिया। अब यहाँ पर एक लास्ट बंदा बचा हुआ है, वो किधर है मेरे को नहीं पता, शायद से अंदर की साइड हो सकता है। यहाँ पर मेरा ही राउंड भी क्लच होने वाला है। यहाँ पर स्किल ब्लॉक थी मेरे पास, मैंने उसको खत्म किया सबसे पहले 150। यहाँ पर स्किल ब्लॉक नहीं लगता कभी कभी, अगर जोसेफ है सामने वाले के पास तो स्किल ब्लॉकर भी काम नहीं करता। जैसे कि यहाँ पर यूज में नहीं आया तो मैं एक बार फिर से तुम्हें बोलूंगा कि तुम्हारी सारी स्किल काम आती है यहाँ पे, मतलब सामने वाले की भी ब्लॉक नहीं है। बट यहाँ पर मैंने इसको नॉक ले लिया, अब यहाँ पे मैंने इसको क्लियर भी कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे यही सब कॉम्बो थे जो इस सीजन काफी ज्यादा यूजफुल थे। बाकी यहाँ पर तुम्हें और भी कॉम्बो लगाने हैं तो तुम यहाँ पर देख सकते हो, मैंने प्रीसेट में सेव करके रख रखा है। अगर तुम एक रशर हो तो तुम आलोक लगा सकते हो, वुल्फ्रा लगा सकते हो यहाँ पे एंड लूना लगा लेना, तुम्हें मतलब प्रॉपर रश वाली फील आएगी। इसको यूज करके तुम किसी को भी शॉटगन से काफी इजी निकाल सकते हो। अगर तुम एक शॉटगन प्लेयर हो तो तुम्हारे लिए बेस्ट कैरेक्टर है, बीआर रैंक के लिए भी सीएस रैंक के लिए तुम इसको यूज कर सकते हो अगर तुम रश खेलना चाहते हो तो। बाकी लास्ट कॉम्बो की बात करते हैं, यहाँ पर तुम दिमित्री के साथ लगा सकते हो, दिमित्री लगा लो, थीवा लगा लो और ओथो लगा के रखना, परमानेंट है ओथो किसी में भी यहाँ पे। एंड यहाँ पर एल्वोरो एलाइट एल्वोरो लगा लो अगर तुम नेड करते हो तो, अगर नहीं करना चाहते तो तुम यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो, या तो वुल्फ्रा लगा लो या तो सोनिया लगा लो या फिर तुम लगा सकते हो यहाँ पर लूना। काफी सारे ऑप्शंस है तुम्हारे पास, यहाँ पर तुम जो चाहो वो लगा सकते हो। बाकी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो जो मैंने लगाया वो प्रॉपर लगा दो, कॉपी कर दो एंड यहाँ पर मतलब तुम्हारा कॉम्बो बन जाएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।